गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज मैं आप लोगों के लिए अकाउंट्स की वीडियो लेकर आया हूं, चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट। और आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिसिप्ट्स के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, एक्सपेंस के बारे में, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट एंड गेन के बारे में। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं ये चैप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे जाके अकाउंट्स में आप न्यूमेरिकल्स और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका थ्योरी क्लियर नहीं है तो इसके बाद जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो थ्योरी चैप्टर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी क्रूशियल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिसिप्ट के बारे में। रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब होता है जो बिजनेस होता है वो गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो पैसे कमाता है उसे रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहें तो रिसिप्ट मतलब बिजनेस का जो इनकम जनरेट होता है उसको रिसिप्ट कहते हैं। अब रिसिप्ट दो प्रकार का है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू मतलब बिजनेस का मेन इनकम, बिजनेस का प्रिंसिपल इनकम। जैसे एक डेयरी शॉप है तो एक डेयरी शॉप के लिए उसका प्रिंसिपल इनकम क्या होगा? मिठाई बेच के जो कमा रहा है, आपका दूध बेच के जो कमा रहा है, दही बेच के जो कमा रहा है, ये उसका रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक स्कूल के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगा? बच्चों से जो फीस आ रही है वो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के लिए वो जो एसी फ्रिज वो बेच रहा है उसके लिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जो बिजनेस का कोर इनकम है, बिजनेस का प्रिंसिपल इनकम है, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। एक बार्बर शॉप के लिए बाल काट के जो वो पैसे कमा रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक थिएटर ओनर पिक्चर का टिकट बेचकर उस कैंटीन में जो समोसा, पेस्ट्री, पेटीज ये सब बेचकर जो कमा रहा है वो सब उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट के अंडर में आएगा, बिजनेस का मेन इनकम, प्रिंसिपल इनकम। इसको रेकरिंग भी कहते हैं। रेकरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट, बार बार रिपीट होगा। एक डेयरी वाला हर दिन मिठाई, दही, दूध बेचेगा। एक थिएटर ओनर हर दिन टिकट, पेस्ट्री, पेटीज, आलू चॉप, ये जो भी खाना है या पिक्चर का टिकट है वो बेचेगा। तो ये बार बार रिपीट होगा, बिजनेस का जो रेवेन्यू वो बार बार रिपीट होगा। स्कूल के लिए उसको बच्चों से फीस हर दिन हर महीने मिलेगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो रेकरिंग नेचर का है। रेकरिंग मतलब बार बार ये रिपीट होगा। तो बिजनेस का जो कोर इनकम है उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, जो गुड्स और सेल बेच के कमाते हैं। कपड़े का दुकान, कपड़े बेच के जो कमाएगा। एक गाड़ियों का शोरूम, गाड़ी बेच के जो कमाएगा, इसका काम ही यही है, वो हर महीने हर दिन पूरे साल यही करेगा, तो उसका रेवेन्यू है और वो रेकरिंग है क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में इसको कहेंगे नॉन रेकरिंग नेचर। अब ये कैपिटल रिसिप्ट क्या है? जो बिजनेस का मेन इनकम नहीं है, जो बिजनेस का कोर इनकम नहीं है। जैसे जो डेयरी शॉप का मैंने एग्जांपल दिया, उसी डेयरी शॉप ने अपने दुकान का कुछ पुराना फर्नीचर बेच दिया कबाड़ी को और उससे कुछ पैसे कमा लिए, तो क्या वो उसका मेन इनकम है? नहीं। तो वो किस में आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। उसी डेयरी दुकान ने या मिठाई की दुकान ने जो दूध, दही, मिठाई ये सब बेच रहा है, उसने अपना पुराना फर्नीचर बेचा, पुराना एसी बेचा, ये बेच के अगर वो पैसे कमा रहा है तो क्या वो उसका मेन इनकम है? नहीं। तो वो किस में आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। हाँ, लेकिन अगर एक फर्नीचर वाला एक सोफा, फर्नीचर, चेयर ये सब बेच रहा है तो वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन वही फर्नीचर का दुकान, वही फर्नीचर का शॉप अगर पुराना एसी बेच दिया, अपने दादा परदादा का कोई जमीन बेच दिया और उससे पैसे कमा रहा है तो वो उसके रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं आएगा, वो उसके किस में आएगा? कैपिटल रिसिप्ट में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो बिजनेस का मेन इनकम नहीं है। एक स्कूल का मेन इनकम क्या है? बच्चों से मिलने वाली फीस, तो वो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन उसी स्कूल ने अपना पुराना फर्नीचर, डेस्क बेंच बेच दिया
कुछ पैसे कमा लिए, तो क्या वो स्कूल का मेन इनकम है? नहीं, वो स्कूल का क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जो बिजनेस का कोर इनकम नहीं है और जो हर साल रिपीट नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोचिंग है, अब मैं बच्चों से जो फीस लेता हूँ वो मेरा मेन इनकम है, तो वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन इसी कोचिंग के कुछ पुराने डेस्क बेंच को मैंने बेच दिया, पूरा अगर एसी पुराना हो जाएगा उसको मैं बेच दूंगा, तो क्या वो मेरा मेन इनकम है? नहीं। तो उससे मिलने वाला पैसा क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट, नॉन रिकरिंग, जो बिजनेस का मेन इनकम नहीं है। पुरानी जमीन बेच दी, कंपनी के कुछ शेयर्स है वो मैंने बेच दिए, तो वो मेरे लिए कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। क्या मैं या कोई शॉप जो मिठाई का है या जो कपड़ों का है, क्या वो हर साल एसी बेचेगा? हर साल एसी पुराना होगा? नहीं। कपड़े वो हर साल बेचेगा, हर महीने बेचेगा, हर दिन बेचेगा, लेकिन एसी पुराना 4-5 साल में, 10 साल में एक बार होगा तब बेचेगा। फर्नीचर पुराना 5-6 साल में होगा तब बेचेगा। तो रेवेन्यू रिकरिंग बार बार रिपीट होगा, क्योंकि आपका काम ही वही है। कैपिटल नॉन रिकरिंग, बार बार जो रिपीट नहीं होगा। लेकिन यह सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब एक मिठाई दुकान के लिए फर्नीचर बेचना, एसी बेचना कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, लेकिन एक फर्नीचर दुकान के लिए फर्नीचर बेचना रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के लिए एसी फ्रिज ये बेचना रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, लेकिन दूसरी दुकानों के लिए, कपड़े की दुकान हो गई, गाड़ियों की दुकान हो गई, उनके लिए पुराना एसी फर्नीचर बेचना किसमें आएगा? कैपिटल रिसिप्ट में। तो बात हो गई क्लियर बच्चों आपको? उसी तरह एक प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर का काम ही है प्रॉपर्टीज बेचना, जमीन बेचना। लैंड डीलर, लैंड ब्रोकर, इनका काम ही है लैंड बेचना, जमीन बेचना। तो उनके लिए जमीन और प्रॉपर्टी बेचना किसके अंडर में आ जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर कोई शॉप अपनी पुरानी बिल्डिंग और फर्नीचर बेचता है तो उसके लिए किसमें आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू बिजनेस का कोर इनकम, मेन इनकम। कैपिटल बिजनेस का मेन इनकम, जो नहीं होता, जो हर बार रिपीट भी नहीं होता। जो रिपीट हो उसे कहते हैं रेकरिंग, जो रिपीट ना हो उसे क्या कहते हैं? नॉन रेकरिंग। ठीक है। इसके बाद एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस में होने वाले खर्चे। अब बिजनेस में जो होने वाले खर्चे हैं वो भी दो तरह, तीन तरह के हैं, एक रेवेन्यू, एक डेफर्ड रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो एक्सपेंडिचर आपको बार बार करना है, इसका मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका नेचर क्या हो जाएगा बच्चों? रेकरिंग, बार बार आपको करना है। जैसे सैलरी, आपको वर्कर्स को हर महीने आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर बार देना पड़ेगा, हर महीने देना पड़ेगा, तो वो किसमें आ जाएगा बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना हो तो बिजनेस स्मूथली रन नहीं करेगा। आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट नहीं करेंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिया जाएगा। वर्कर को सैलरी नहीं देंगे, वर्कर काम नहीं करेंगे, मतलब इनका पेमेंट उसी समय एग्जॉस्ट हो जाता है। मतलब आपने सैलरी दिया, उनका काम हो गया, अब दोबारा काम होगा तो उसके लिए फिर आपको सैलरी देनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी आपको देते रहना पड़ेगा, आपने एग्जॉस्ट कर लिया, जो एग्जॉस्ट का मतलब आपने खत्म कर लिया, आपने उसी अकाउंटिंग ईयर में आपने उसको एक्सपेंस को खर्च कर दिया। अब समझिए, एसी आप एक बार लेंगे, मैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं एक कार के शोरूम का एग्जाम्पल देता हूं आपको। कार के शोरूम में एसी वो एक बार लगा लिया, फुर्सत हो गई, अब वो सालों के बाद, 5-6 साल के बाद दोबारा एसी चेंज करने का टाइम आएगा, तो एसी पे खर्चा तो एक बार हुआ, लेकिन वो आपको दिए जा रहे, काम किए जा रहे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करेंगे तो वो एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो आपको मिलेगा नहीं, आप एसी चला नहीं पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको बार बार देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वर्कर्स की सैलरी, ये सब किसमें आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए, आपके सामने व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड मैंने 2019 में लिया था, मतलब आज इस व्हाइट बोर्ड को 5 साल हो गए, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं बार बार नहीं खरीद रहा हूं व्हाइट बोर्ड, 5 साल पहले लिया था, हो सकता है आने वाले 2-3 साल में मुझे ये लेना ना पड़े, क्वालिटी अच्छी है तो चल रहा है, लेकिन तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक ही बार मैंने इस पर खर्चा किया। लेकिन ये मार्कर मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? ये मार्कर मुझे बार बार लगेगा, इसका मैंने खरीदा 20-25 या 30 रुपए में, खत्म हो गया, फिर खरीदना पड़ेगा, मतलब एग्जॉस्ट हो गया, आपने पैसे लिए, खत्म इसका यूज,
ये खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा नया मार्कर लेना पड़ेगा। तो मार्कर मेरे लिए क्या आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एसी मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये एसी को लिए मुझे 3 साल हो गए, हो सकता है 5-6 साल में मुझे एसी ना लेना पड़े, लेकिन इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे हर महीने पटाना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेकरिंग, बार बार आपको करना पड़ेगा। वर्कर की सैलरी हर महीने देनी पड़ेगी, जब तक आप पैसा देंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने पैसा देना बंद किया, वर्कर काम करना बंद कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट बंद किया, आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वर्कर्स की सैलरी, रॉ मटेरियल्स, ये सब किस में आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा इसको, और ये बार बार रिपीट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? नॉन रेकरिंग, जो बार बार रिपीट नहीं होगा। एक बार इसमें आप खर्चा करेंगे, वन टाइम, आपको फायदा कई सालों तक मिलेगा, लेकिन यह भी सब्जेक्टिव है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक खिलौने की दुकान है, टॉय का शॉप है, उस खिलौने की दुकान के लिए जो खिलौने हैं, जो टॉयज है, वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, वो उसको हर महीने 2 महीने उसको खरीदना पड़ेगा, नहीं तो बेचेगा क्या? तो उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अपनी दुकान में वो एक एसी लगवा रहा है, अच्छा फर्नीचर लगवा रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए आप? लेकिन वही अगर फर्नीचर का शोरूम है, तो उसके लिए जो फर्नीचर वो खरीद रहा है, फर्नीचर खरीदेगा उसी को तो बेचेगा, तो वो उसके लिए क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन वही फर्नीचर शॉप अगर अपने दुकान में एसी लगवा रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बिजनेस में फायदा देता है, आपके बिजनेस में लंबे समय तक आप उसका यूज करते हैं। समझ गए आप? अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, तो उसके लिए एसी, फ्रिज, टीवी, वो सब उसके लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि उनको वो खरीदेगा, उस पर खर्च करेगा पैसा, तब उसको बेच के वो पैसा कमाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए वो बिल्डिंग जिसमें उसकी शॉप है, वो जमीन जिसमें उसकी शॉप है, वो उसके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या वो हर साल हर महीने नया बिल्डिंग लेगा अपने दुकान के लिए? नहीं। क्या जमीन हर बार लेगा? नहीं। तो वो किसमें आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए आप? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको तभी तक फायदा देगा जब तक आप उसका पेमेंट करेंगे, आपको पेमेंट बार बार करना है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप इसका पेमेंट वन टाइम करेंगे, इसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं नॉन रेकरिंग, बार बार रिपीट नहीं होता। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार रिपीट होगा। वर्कर को दी जाने वाली सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रॉ मटेरियल, सब किस में आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक फैक्ट्री के लिए, एक फैक्ट्री अगर कार बना रही है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है, कार की बॉडी के लिए फाइबर, कांच, आयरन, एल्यूमिनियम, वो सब उसको बार बार चाहिए होगा, क्योंकि उसी से वो कार का प्रोडक्शन करेगा, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन उस फैक्ट्री में लगने वाली मशीन, क्या मशीन हर महीने मंगवाएगा, हर साल मंगवाएगा? नहीं। तो फैक्ट्री में लगने वाली मशीनें किसमें आ जाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है बच्चों। अब डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब एडवर्टाइजमेंट में किया गया खर्चा। आप एडवर्टाइजमेंट में खर्चा एक बार करते हैं, लेकिन उसका फायदा आपको कई सालों तक मिलता है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए, ठंडा मतलब कोका कोला, डेरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इनमें कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, एक बार बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करती हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, सेलिब्रिटीज को बुक करती हैं, वो सेलिब्रिटीज उनके लिए एडवर्टाइज करते हैं, टीवी में वो एड चलता है, लेकिन उसका जो असर है, उसका जो फायदा है, वो बिजनेस को लंबे समय तक मिलता है। सोचिए, डेरी मिल्क का कुछ मीठा हो जाए एड, 25-30 साल पुराना है, लेकिन आज भी लोगों को याद है, ठंडा मतलब कोकला, लोगों के जबान पे चढ़ा हुआ है। तो ये एडवर्टाइजमेंट में वो खर्चा एक बार करते हैं, या 4-5 साल में एक बार करते हैं, लेकिन जो एड कैंपेन है, उसका फायदा इनको कई सालों तक मिलता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट में किया गया खर्चा। जो बड़े लेवल पे कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, लेकिन उसको राइट ऑफ कई सालों में करती है, मतलब उसका फायदा, उसका जो टोटल फायदा है, वो कंपनी के लिए एक साल में ही नहीं,
आने वाले कई सालों तक कंपनी को मिलता है। तो एडवर्टाइजमेंट में किए गए खर्चे को क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद एक्सपेंस, एक्सपेंस तो मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, बिजनेस को चलाने के लिए आप जो भी खर्चा करें, ठीक है, इसमें रेवेन्यू कैपिटल दोनों तरह के एक्सपेंस आ जाते हैं। मतलब अगर आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, आप मशीन्स खरीद रहे हैं फैक्ट्री के लिए, रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, वर्कर को सैलरी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं, अपने दुकान के लिए एसी ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, शोरूम को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, नया फर्नीचर मंगवा रही है, सब बिजनेस के लिए क्या आ जाएगा? एक्सपेंस। भले वो रेवेन्यू के नेचर का हो या कैपिटल के नेचर का हो, बिजनेस के लिए अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस के अंडर में आएगा। अब ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग होता है। प्रीपेड का मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है? एडवांस पेड। प्रीपेड को कहते हैं एडवांस पेड। मतलब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने सर्विस नहीं लिया लेकिन पेमेंट पहले ही कर दिया, उसको क्या कहते हैं? प्रीपेड। और ये बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने प्रोडक्ट अभी खरीदा नहीं, आपको अपने घर के लिए दो टीवी चाहिए था, आप शॉप गए, आपने दोनों टीवी का प्राइस जो था वो था 1,00,000 रुपए, आपने उसको 60,000 एडवांस पेमेंट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड। मतलब अभी तक आपको टीवी मिली नहीं है, वो टीवी आपको 3-4 दिन में डिलीवर करेगा बोला, तो आपने जो एडवांस में उसको पैसा दे दिया वो क्या कहलाएगा? प्रीपेड। फॉर एग्जाम्पल, आप छुट्टी मनाने जाने वाले हैं मालदीव्स, और आपने वहां पे होटल को बुक करने के लिए 40,000 रुपए उसको एडवांस दे दिया, तो वो भी किसके अंडर में आ जाएगा बच्चों? प्रीपेड। कि आप अभी गए नहीं होटल, लेकिन आपने वहां पे पहले ही सर्विस लेने से पहले ही पैसे दे दिए, क्या कहलाएगा वो? प्रीपेड। आपने पिक्चर की एडवांस बुकिंग कर दी, पिक्चर आपको 3 दिन बाद जाना है देखने, लेकिन आज ही आपने 5 टिकटों के लिए 400 × 5 के हिसाब से 2,000 रुपए आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो वो भी क्या कहलाएगा? अभी आप पिक्चर देखे नहीं है, अभी आपने सर्विस ली नहीं है, लेकिन आपने पेमेंट पहले ही कर दिया, क्या कहेंगे उसको? प्रीपेड। मतलब एडवांस में पेमेंट कर देना। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि करंट ईयर का नहीं, आपने नेक्स्ट ईयर का भी पैसा दे दिया। समझ लीजिए आप अभी 11th क्लास में, आपने अपने स्कूल में अपने 12th का भी फीस दे दिया, तो स्कूल के लिए जो 12th की फीस है वो उसको कब मिलनी चाहिए थी? वो उसको मिलनी चाहिए थी 25-26 में। ये कौन सा सेशन चल रहा है? 24-25 करंट ईयर। तो स्कूल का हक किस पे? करंट ईयर के इनकम पे। तो करंट ईयर के पैसा तो आपने दे ही दिया, साथ में आपने अपने 12th की फीस भी जमा कर दी, तो क्या कहेंगे इसको? प्रीपेड एक्सपेंस। कि आपने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का भी पैसा अभी से दे दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस पेड। यानी करंट सेशन में या करंट ईयर में आपने करंट ईयर का पैसा तो दिया ही, साथ में नेक्स्ट ईयर का भी पैसा पहले से ही दे दिया, तो उसे क्या कहेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस पेड, जो बिजनेस के लिए एक एसेट है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को आगे जाके सर्विस लेना है। समझ गए आप? तो जो भी प्रीपेड एक्सपेंस देता है, जैसे आपने पिक्चर का एडवांस पेमेंट कर दिया तो आपको वहां पिक्चर जाके देखना है, उनसे सर्विस लेनी है। आपने टीवी का एडवांस पेमेंट कर दिया तो आपको उनसे टीवी लेना है। तो अगर आपको फ्यूचर में गुड्स या सर्विस लेना है तो किसके अंडर में आ जाएगा? एसेट। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसको कहते हैं ड्यू बट नॉट पेड, और ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। मतलब आपने सर्विस तो ले लिया लेकिन आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया, ठीक है। आपने गुड्स ले लिया, जैसे मान लीजिए आप किसी के यहां पे 3 महीने से रह रहे हैं लेकिन आपने अभी तक उनको रेंट नहीं दिया, क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपने वहां की सर्विस ले ली 3 महीने रहने की लेकिन आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो आपको उनको पेमेंट देना है, और कुछ देना हो तो वो क्या कहलाएगा? लायबिलिटी। आपने किसी दुकान से जाके 2 AC अपने घर में लेके लगवा दिया लेकिन आपने उनको पेमेंट नहीं किया, दोनों AC का कॉस्ट मान लीजिए 80,000 है, आपने उनको 30,000 दिया लेकिन 50,000 आपने अभी भी नहीं दिया, तो 50,000 आपके लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट ईयर में आपने प्रीवियस ईयर का पैसा भी अगर नहीं दिया है तो वो किस अंडर में आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपने सर्विस या गुड्स ले लिया लेकिन आपने पेमेंट नहीं दिया, जैसे कोई बच्चा अगर 11th में है
लेकिन उसने अभी तक टेंथ का फीस नहीं दिया है, इसका मतलब वो करंट सेशन में आ गया है लेकिन प्रीवियस ईयर का पैसा उसने अभी तक नहीं दिया, तो टेंथ की फीस उसके लिए क्या हो जाएगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और वो क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाइए रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मतलब बिजनेस का कोर इनकम, बिजनेस का प्रिंसिपल इनकम। जो मैंने आपको रिसिप्ट बताया था ना बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट सेम वही चीज है रेवेन्यू। ठीक है, एक मिठाई शॉप के लिए मिठाई बेचना उसके लिए रेवेन्यू है, एक कार के शोरूम के लिए कार बेचना उसके लिए रेवेन्यू है, एक स्कूल के लिए बच्चों की फीस रेवेन्यू है, एक बाइक शोरूम के लिए बाइक बेचना रेवेन्यू है, एक साड़ी की दुकान के लिए साड़ी बेचना रेवेन्यू है, एक सैलून के लिए बाल काटना, फेशियल करना या बाकी सर्विसेज देना, जो फेशियल हो गया, हेयर ट्रीटमेंट हो गया, ये सब उसके लिए रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू का मतलब बिजनेस का कोर या प्रिंसिपल इनकम। अदर इनकम को हम रेवेन्यू में नहीं ले सकते, लेकिन इनकम, इनकम में आपका कोर इनकम प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंस, इसका मतलब इनकम बिजनेस के लिए क्या होगा? जो बिजनेस का कोर इनकम है वो तो लेना ही है, अगर कुछ अदर इनकम है उसको भी लेना है और फिर उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो उसके लिए इनकम आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि रेवेन्यू में आप बिजनेस का मेन इनकम लेते हो, लेकिन इनकम में आप मेन इनकम के साथ अदर इनकम भी लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए एक गाड़ियों का शोरूम है, कार का शोरूम है, उसने कार बेच के फॉर एग्जाम्पल 50 लाख कमाया, तो वो उसका कोर इनकम है, बिकॉज कार बेचना ही उसका रेवेन्यू है, कोर इनकम। साथ में उसने अपने दुकान में, अपने शोरूम में कुछ पुरानी एसीज और फर्नीचर थी जिसको उसने बेच दिया, उसको बेच के उसको 1 लाख रुपए मिला। ठीक है, और उसका खर्चा, वर्कर की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मिला के उसका खर्चा जो है वो 50,000 पड़ा। तो बताइए उसका इनकम क्या हुआ? 50 लाख प्लस 1 लाख 51 लाख। 51 लाख में से 50,000 को माइनस कर दीजिए, 50 लाख 50,000, समझ गए आप? तो ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। तो इनकम कैसे निकाला मैंने? जो कोर इनकम था वो लिया, जो अदर इनकम था वो भी लिया, और साथ में जो एक्सपेंस था उसको क्या कर दिया? माइनस। इसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट बच्चों दो तरह का होता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट में हमें बच्चों ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट में जो बिजनेस का कोर इनकम है उसी को लिया जाता है। प्रॉफिट में बिजनेस के कोर इनकम को ही लिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करता तो ये जो अदर इनकम है इसको मैं नहीं लेता, ये अदर इनकम को मैं नहीं लेता। ध्यान रखिएगा, 50 लाख मेरा मेन इनकम, 50,000 मेरा खर्चा, तो 50 लाख से 50,000 माइनस हो जाता, 49 लाख 50,000 आ जाता। तो इनकम और प्रॉफिट में क्या फर्क है? इनकम में आप अदर इनकम को लेते हैं लेकिन प्रॉफिट में आप अदर इनकम को नहीं लेते। ठीक है, तो अब प्रॉफिट भी दो प्रकार का होता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने बता रहा था बच्चों आपको कि प्रॉफिट भी दो टाइप का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? हर बिजनेस के लिए उसके दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक फैक्ट्री एक्सपेंस और एक ऑफिस एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब जो कार है वो कहां तैयार हो रहा है? फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब उसके लिए जो ये आपका जो भी रॉ मटेरियल लिया जाएगा वो आपका फैक्ट्री एक्सपेंस है, कार बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए।
इसके अलावा फैक्ट्री में जो पावर लग रहा है, जो फ्यूल लग रहा है, पेट्रोल, डीजल, जनरेटर लगाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी, वो सब बिजनेस के लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, उनकी जो वेतन है, उनका जो सैलरी है, वो भी वेजेस कहलाएगा, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब आप अपने रेवेन्यू से, ध्यान रखिए मैंने रेवेन्यू बोला है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में आप अदर इनकम नहीं ले सकते। ध्यान रखिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप अदर इनकम नहीं ले सकते। मतलब अगर थिएटर का मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे सिर्फ उसके टिकटों से जो पैसे आए हैं, ठीक है, और पेटीज बेच के जो पैसे आए हैं, जो प्रिंसिपल का मेन इनकम होता है, ये आपका थिएटर ओनर का प्रिंसिपल इनकम, सिर्फ मुझे वो लेना है, उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस को मुझे क्या करना है? माइनस। इसका डिटेल आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट आप आने वाले लेसन में पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे फाइनल अकाउंट्स। अभी मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो जो रेवेन्यू है उसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए। मान लीजिए एक कार शोरूम ने कार बेच के, फॉर एग्जाम्पल चलिए बाइक का शोरूम ले लीजिए, इस बार 10 लाख कमाया, ठीक है, और फैक्ट्री में जो फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी था, डीजल, जनरेटर, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, रॉ मटेरियल, उन सब का खर्चा आया 4 लाख रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 6 लाख। इसका मतलब जो प्रिंसिपल इनकम है, उससे जो फैक्ट्री एक्सपेंस है उसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में आप सब लेंगे, इसका मतलब रेवेन्यू प्लस अदर इनकम माइनस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब यहां पे ऑफिस एक्सपेंसेस को भी आपको माइनस करना है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब जैसे टाटा हो गया, सैमसंग हो गया, इनकी फैक्ट्रीज तो है जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, फोन्स बन रहे हैं, कारें बन रही हैं, बाकी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इनका ऑफिस भी तो है। जिस ऑफिस में सीईओ काम कर रहे हैं उसको सैलरी देना है, मैनेजर को सैलरी देना है, ठीक है ना, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, इनके भी तो खर्चे हैं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। इसका मतलब वो ऑफिस एक्सपेंस में आएगा। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इस कंपनी का मेन इनकम 10 लाख था, 10 लाख, ठीक है, इसने कहीं पे शेयर्स खरीद के रखे थे, ठीक है, जिसका डिविडेंड इसको मिला, जिसका इसको प्रॉफिट मिला, और वो प्रॉफिट है आपका 1 लाख रुपए। वो उसका प्रिंसिपल इनकम नहीं है, वो उसका अदर इनकम है। प्रिंसिपल इनकम तो उसका बाइक बेच के कमाना है, ये उसका डिविडेंड या कमीशन है जो उसने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा था, वो उसका मेन इनकम नहीं था, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे अदर इनकम भी लेना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस तो आपने देखा ही था 4 लाख, और ऑफिस में काम करने वाले जो मैनेजर थे, इनको भी कुल मिला के ऑफिस का इंटरनेट कनेक्शन, स्टेशनरी, ये सब मिला के ऑफिस का खर्चा आया 2 लाख रुपए। तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस था 4 लाख, उसमें 2 लाख और जुड़ गया ऑफिस एक्सपेंस, 4 और 2 6 लाख। मतलब इसमें मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिया 4 लाख और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस का उसको 2 लाख, 4 और 2 6 लाख। तो बताइए इसका नेट प्रॉफिट कितना आया? 10 × 11, 11 - 6 = 5 लाख। तो ये क्या आ गया आपका? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ही शुद्ध इनकम होता है, बिजनेस का मेन इनकम होता है। इसका डिटेल आप आने वाले लेसन में पढ़ेंगे, अभी मैंने बस आपको इसका ओवरव्यू दिया है। लास्ट आ गया गेन। गेन का मतलब बिजनेस का अदर इनकम। गेन मतलब अदर इनकम से होने वाली कमाई, जो बिजनेस का प्रिंसिपल इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, मेन एक्टिविटी से होने वाला इनकम नहीं है। जैसे कार का शोरूम है तो कार बेच के जो कमाएगा वो उसका रेवेन्यू है, लेकिन उसने अपने दादाजी की जमीन बेच के कुछ पैसे कमा लिए, तो वो गेन है, ठीक है। आपका फॉर एग्जाम्पल मिठाई का दुकान है, तो मिठाई बेच के जो कमाएगा वो है रेवेन्यू, लेकिन अगर उसने पुराना फर्नीचर या एसी बेच के कुछ कमा लिया, किसमें आ जाएगा? गेन।
तो गेन मतलब अदर देन बिजनेस इनकम, जो बिजनेस का मेन इनकम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साड़ियों की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, कपड़े बेच के जो कमाएगा वो रेवेन्यू है। उसने किसी को उधार में पैसे दिए थे, उसका कुछ इंटरेस्ट मिला उसको, तो वो इंटरेस्ट रेवेन्यू नहीं है, वो इंटरेस्ट क्या है? गेन। मतलब बिजनेस का अदर इनकम, जो बिजनेस का मेन इनकम नहीं है, उसे क्या कहते हैं? गेन। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आई होप आपको बहुत इजी तरीके से मैंने ये समझाया, आपको समझ आया है। तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, आप बच्चों का सपोर्ट हमें चाहिए। एंड आई प्रॉमिस कॉमर्स, वी विल ब्रीद कॉमर्स। कॉमर्स आपको मैं लाइफस्टाइल का पार्ट बना दूंगा, बहुत ही एंटरटेनिंग बना दूंगा। यू विल फॉल इन लव विद कॉमर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।